वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु क्लासेज पर एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम मैनिफेस्टेशन 3D के टॉपिक में घन और घनाभ को पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्यूब एंड क्यूबॉइड को हम अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। अब हम बैलन के ऊपर कुछ क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, ताकि आपका बेसिक और क्लियर हो जाए। देखो, बैलन पर आधारित प्रश्नों में हमने 6 प्रश्नों तक कल पढ़ा था। आज से 7वां जो प्रश्न है वो हम पढ़ते हैं। एक बैलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4092 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके आधार का व्यास 21 सेंटीमीटर है। बैलन का 50% आयतन क्या होगा, ठीक है। हमसे 50% इसमें आयतन पूछा है, तो इसका भी हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखो, ये बैलन दे रखा है आपको, मैं बेलन को इस प्रकार से बना रहा हूँ, ठीक है। ये बेलन है, देखना ध्यान से। इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है ना, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो टी ए से आपको दे रखा है। इसमें टोटल सरफेस एरिया दे रखा है आपको 4092 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसके आधार का व्यास कितना है, 21 सेंटीमीटर है इसके आधार का व्यास। तो आप अगर आधार की बात करेंगे तो आधार का व्यास देखना कितना है, आधार का व्यास कितना है, 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी बताओ, 21/2 सेंटीमीटर, ये इसकी रेडियस हो गई। तो दोनों आधार का अपन क्षेत्रफल निकाल सकते हैं ना, ठीक है। कैसे निकाल सकते हैं, देखो, आधार का क्षेत्रफल, आधार कितने इसमें, दो है ना, तो दो, एक आधार का पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता। तो देखो, दो पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितनी, 21/2 और फिर से 21/2, 7 को इससे काटो, 3 बार कटेगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, 2 से इसको हम 11 बार काट सकते हैं, 11 33 33 * 21 कर लो, 21 * 63 का 3 हासिल 6, 21 * 63 और 6 कितने हो गए, 69 हो गए, 693 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। जब आधार का क्षेत्रफल 693 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, अगर टोटल सरफेस एरिया में से हम क्या घटा दें, आधार का घटा दें, तो बताओ LSA बच जाएगा, नहीं बच जाएगा, LSA बच जाएगा ना, बेस एरिया। अगर बेस एरिया हम घटा दें टी ए से 4092 और ये कितना है, 693 सेंटीमीटर स्क्वायर, एल एस और ए, देखो एल एस ए क्या होता है बताओ, 2πRH होता है कि नहीं होता है, ये बताओ आप, होता है ना। 12 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, 9, 18 में से 9 गए तो कितने बचेंगे, 9, है ना, और 39 में से 6 गए तो कितने बचेंगे बताओ, 33 बचेंगे क्या, ठीक है, यही बचेगा ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। देखो 2 पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है, त्रिज्या कितनी है इनकी, 21/2 और हाइट कितनी बताओ, हाइट आ जाएगी 3399 करेंगे तो हाइट निकाल सकते हैं यहाँ से, 7 * 21, 2 से ये 2 कैंसिल और देखो 11 * 22, 11 * 33, 9 में भाग ज़्यादा नहीं, 0 लगाएंगे, 1199, ठीक है, कट गया ना, 3 से काटो, 3 * 3 और 3 * 3 = 9, 103, तो हाइट जाएगी कितनी, 103 बटा
दो आ जाएगी सेंटीमीटर, आ जाएगी ना। क्या कह रहा है, बेलन का 50% आयतन क्या होगा? आपको पता है बेलन का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच इंटू में 50% चाहिए ना, तो 50/100 कर सकते हैं आप। देखो आगे, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी 21/2, फिर से 21/2 कर देंगे है ना। और एच मैंने निकाल लिया कितना है, 103/2, और इसका क्या है 50% का मतलब 1/2। क्लियर है कि नहीं क्लियर बताओ। 7 × 7 = 21 कट गया, 2 से इसको काट लिया 11 बार कटेगा ठीक है। और कोई कट रहा है क्या, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 यहाँ पर आ जाएगा। और 11 × 3 = 33, 33 को 21 से गुणा करना है, 33 × 21 और 21 को 33 से गुणा करेंगे 693 इंटू में कितना है 103, 103 से गुणा करना है, 103 से गुणा कर दो यहाँ से है ना, करो 3 × 3 = 9, 3 × 27 = 7, 2 × 3 = 18 और 2 = 20, 0 से करेंगे तो यही आएगा और इसको करेंगे 693 आ जाएगा है ना। 9, 7, 3, 11 × 1, 6 × 7 71,379 वाट। अब काटो, 8 × 9 = 72, 8 × 6 = 48, 8 × 8 = 64, कितना बचेगा 7, 8 × 9 = 72, 1 बचेगा, 8 × 2 = 16, 1 बचेगा, 8 × 2 = 16, 3 बचेगा, 8 × 3 = 24, 6 बचेगा, 856 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका हाईएस्ट आंसर आएगा आपका। तो 50% जो वॉल्यूम था ना वो यही आएगा। क्लियर है ना यहाँ तक, नोट कर लो इसको। देखो एग्जांपल, दो बेलन हो, एग्जांपल 8 देखो, एग्जांपल 8, दो बेलन हो, ए तथा बी के आधारों का अर्धव्यास 3:2 तथा इनकी ऊंचाइयों का अनुपात n अनुपात 1 के अनुपात में है। यदि बेलन ए का आयतन बी के आयतन का 3 गुना हो तो ए n का मान ज्ञात करो। तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। दो बेलन बना रखे मान, ये दो बेलन है, इसकी हाइट क्या है h1, इसकी हाइट क्या है, तो उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या दे रखा है, इसकी m और इसकी क्या है a, कह सकते हैं हाँ। और बेलन ए का आयतन बी के आयतन का 3 गुना है और ए और बी के आधारों का अर्धव्यास, अर्धव्यास का मतलब क्या है, त्रिज्य, त्रिज्य कितनी है, इसमें 3 अनुपात इसकी क्या है, 2 अनुपात। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बेलन ए का आयतन बी के आयतन का 3 गुना, तो बेलन सिलेंडर ए ठीक है, ये बेलन ए है और ये बेलन क्या है बी, तो बेलन ए का आयतन ए का वॉल्यूम क्या है, बी के आयतन क्या क्या है, बी के आयतन का क्या है, बी के आयतन का 3 गुना, सिलेंडर ए का आयतन बी के आयतन का क्या है, बी के आयतन का क्या है 3 गुना ठीक है। तो देखो अब आयतन होता क्या है, पाई आर स्क्वायर एच और पाई आर स्क्वायर एच इंटू में क्या जाएगा 3 ठीक है ना। ए की हाइट क्या है, एन है और रेडियस कितनी है, और
ये बताओ कट सकता है ना, 1 3 से 18 कट सकता है, कर सकता है ना। 2 का स्क्वायर कितना है, 4, तो n का मान क्या जाएगा, 4/3। अब हमें पूछा क्या है, n का मान पूछा है, क्या पूछा है, n का मान 4/3 आ जाएगा, क्लियर है, आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, क्योंकि ऑप्शन में दे रखा है 1 4/3, क्लियर है ना। एग्जाम्पल 8 तक हो चुका है, एग्जाम्पल 9 लिखो, 0.75 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 0.2 सेंटीमीटर मोटाई वाले सिक्कों को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक लंबवृत्तीय बेलन बनाने के लिए कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी, ठीक है, ये हमारा सवाल है। सबसे पहला ध्यान देना, 0.75 सेंटीमीटर त्रिज्या, मैं आपको यहाँ पर सिलेंडर बना रहा हूँ, सिलेंडर को आप देखना, देखो 0.75 सेंटीमीटर की रेडियस है, रेडियस कितनी है, 0.75 सेंटीमीटर, इसकी ये क्या है, 0.75 सेंटीमीटर क्या है, इसकी रेडियस, ठीक है। और 0.2 सेंटीमीटर मोटाई वाले सिक्कों को पिघला, 0.2 सेंटीमीटर मोटाई वाले सिक्कों की मोटाई कितनी है, तो सेंटीमीटर मोटाई वाले सिक्कों को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला, 8 सेंटीमीटर क्या है इसकी ऊंचाई है, 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक क्या बनाया जाता है, एक लंबवृत्तीय बेलन बनाने के लिए कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी, आप बात मेरी समझ रहे हैं ना, जब इनको हम पिघला देंगे तो इनका आयतन कितना होगा, उस आयतन को निकाल सकते हैं ना। अभी ध्यान देंगे, हाइट आप बताओ इसकी मोटाई कितनी है, इस सिलेंडर की मोटाई कितनी है, 0.2 सेंटीमीटर की मोटाई है, आप समझ रहे बात को, और इसकी रेडियस कितनी है, 0.75 सेंटीमीटर। आप यहां से देखना, आप मान लो ये एक क्या है, एक ये मार्कर मान लो, बेलन मान लो, ठीक है, इसकी यहां से रेडियस, यहां से रेडियस कहने का मतलब यहां से इसकी रेडियस कितनी है, आप बताओ कितनी है, 0.75 है ना, और इसकी मोटाई कितनी है, यहां से और यहां तक, ये जो यहां से और यहां तक है ये क्या है, मोटाई है, और मोटाई क्या होती है, आप इसको ऊंचाई कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, 0.2 सेंटीमीटर ये ऊंचाई है, जब हम मोटाई लिखे हैं तो इसका काम करेंगे ऊंचाई का, बात आगे क्या लिख लूंगा आगे ना, आप देखना है इसका हम क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा बताओ, पाई आर स्क्वायर एच, कितना वॉल्यूम है बताओ, देखो पाई की वैल्यू कितनी है, 22/ पाई देखो चाहे मत देखो कोई नहीं, आर कितना देखो, ये देखो त्रिज्या कितनी, 0.75 और इसका स्क्वायर और हाइट कितनी है, 0.2, ठीक है ना, ये इसका क्या है, वॉल्यूम वेक्टर है, और आगे सॉल्व करो, पाई 0.75 को 2 बार लिखेंगे और गुणा में क्या है, 0.2, आप आगे काटो बटा में सो, फिर बटा में सो, 25 के 75 25 चौक 4 25 के 75 25 चौक 4 1 10 लगेगा 2 1 2 2 10 3 3 9 तो क्या जाएगा बोलियो, 9 पाई बटा में 4 चौक 16 16 5 80 है ना, 9 पाई बटा 80 इसका क्या जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, क्लियर है ना। अब इसके वॉल्यूम निकालो आप, किसका,
जो ये आपको दे रखा है कितने सिक्के बनेंगे इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम निकालो ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच इसका निकालो, इसका ध्यान रखो पाई आर की वैल्यू कितनी है, तीन, तीन का स्क्वायर, एच कितना है आर ठीक है, पाई और इनटू है तीन का स्क्वायर नौ इनटू आठ, आप इतना ही ले सकते हैं इसको। आपको इसमें इस वाले में आपको एन सिक्के बनाने हैं, तो एन इंटू नौ पाई बटा में अस्सी, इसमें एन सिक्के बनाने हैं इसमें है? तो इस वॉल्यूम को अपन बराबर कर देंगे, नौ इंटू पाई इंटू में आठ ठीक है, नौ से नौ पाई से नौ पाई के से, और एन की वैल्यू आ जाएगी आठ इंटू अस्सी दस आ जाएगा, एन का आ जाएगा अठारह चौसठ छः सौ चालीस सिक्के, आया समझ में ठीक है। हमें याद रखना है इसको, विशेष तौर से याद रखना है ठीक है, नोट कर सकते हैं आप। चौथा प्रश्न, एक लंबवती बेलन के आधार के अर्धव्यास तथा उसकी ऊंचाई में से प्रत्येक में 10% वृद्धि कर दिए जाने पर बेलन के आयतन में कितनी वृद्धि होगी। एक लंबवती बेलन के आधार के अर्धव्यास तथा उसकी ऊंचाई में से प्रत्येक में 10% वृद्धि कर दिए जाने पर बेलन के आयतन में कितनी वृद्धि होगी। क्वेश्चन को आपने ध्यान से पढ़ लिया होगा ठीक है, तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। एक सिलेंडर आपको दे रखा है ठीक है, एक सिलेंडर आपको यहां पर दे रखा है, ये एक सिलेंडर है पाई, तो ऐसे कैसे रहेगा
वाई कॉन्स्टेंट वैल्यू है ना, और त्रिज्या कितनी है बताओ, आपकी बार क्या जाएगी, ये इसमें जुड़ जाएगी ठीक है, और ये भी इसमें क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी ठीक है, तो ये 11 हो जाएगी, 11 का स्क्वायर, और एंटर में क्या है एक्स, 11 क्लियर है ना। आप थोड़ा सा रेशियो ले सकते हैं यहाँ पर ठीक है ना, मैंने रेशियो ले लिया, देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा ना ठीक है, 10 की घात 1 और ये 11 की घात 1, 10 की घात 3 क्या मतलब कितना होता है 1000, और 11 क्यूब कितना होता है 1331 होता है। आप बताओ यहां पर ये जो बढ़ा वो कितना बढ़ा, 331 बढ़ गया ठीक है, और ये किससे बढ़ा, 1000 से बढ़ा ना, और कितना बढ़ा 331 बढ़ा, और इनटू में 100% निकाल रहे हैं ठीक है, इन दो जीरो से दो जीरो कट जाएगी, तो आपका 33.1% मतलब इसके वॉल्यूम में क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी ना ठीक है, वृद्धि होगी कितनी होगी बताओ, ये बात आप समझ गए नहीं समझे। नेक्स्ट प्रश्न देखो पांचवा, यदि एक बेलन की ऊंचाई में 15% की वृद्धि तथा इसके आधार के अर्धव्यास में 10% की कमी कर दी जाए तो इसके वक्र पृष्ठ में कितना परिवर्तन होगा, ठीक है ये हमारा सवाल है, एक बार हम फिर पढ़ लेते हैं, यदि एक बेलन की ऊंचाई में 15% वृद्धि तथा उसके आधार के अर्धव्यास में 10% कमी कर दी जाए तो उसके वक्र पृष्ठ में कितना परिवर्तन होगा, सवाल समझ में आ गया होगा आपको ठीक है, तो इसका हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखो आपको डायग्राम बनाने की आवश्यकता है नहीं वैसे ठीक है, और पर मैं इसको आपको थोड़ा सा वैसे बना रहा हूं ताकि आपके समझ में आ जाए थोड़ा ठीक है, ये इसकी हाइट होती है, बार बार मैं आपको बता दूंगी ये हाइट होती है, ये इसकी क्या होती है त्रिज्या होती है आर, और ये क्या है एच, अर्धव्यास जब भी कहे तो त्रिज्या मानना है आपको ठीक है, तो देखो ध्यान से 15% वृद्धि तो हाइट में की जा रही है, हाइट में वृद्धि कितनी की जा रही है 15% तो वृद्धि की जा रही है, और त्रिज्या में क्या कह रहा है रेडियस क्या कह रहा है 10% क्या की जा रही है कमी कर दी जा रही है ठीक है, रेडियस में 10% की कमी कर दी जा रही है। आप ये बात समझेंगे सबसे पहले, ये पूछ रहा है आपसे कि वक्र पृष्ठ में कितना परिवर्तन होगा, वक्र पृष्ठ में कितना परिवर्तन होगा, ध्यान से देखेंगे वक्र पृष्ठ में परिवर्तन, वक्र पृष्ठ हमसे पूछा है सवाल ठीक है, तो देखना वक्र पृष्ठ पता नहीं बैलेंस का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πr h होता है, 2πr h, फिर से 2πr h लिखेंगे ठीक है, हम इसको r1 s1 लिखना चाहें तो लिख सकते हैं r2 s2 ठीक है, अब आप ये देखेंगे कि इससे कोई फर्क पड़ेगा कि बताओ, काट दो इसको, काट दिया हमने, अब ये ध्यान देना कि 15% की फ्रैक्शन क्या होती है बताओ, 3/20 लिख सकते हैं इसको आप ठीक है, इसकी कितनी आती है 1/10, ध्यान से देखो हाइट कितनी बताओ, हाइट कितनी है, हाइट तो क्या है अगर बढ़ रही है ना पहले तो 20 चेस की हाइट, ध्यान से देखो, और रेडियस कितनी है 10 है ना, और देखो R2 कितनी है, R2 का मतलब ये क्या है कमी हो रही है इसमें, तो 10 में से क्या हो जाएगा कम हो जाएगा 9, और S2 बढ़ रही है तो 20 के बाद क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी 23 ठीक है, 10 को 20 से गुणा करो कितना जाएगा 200, और 9 को इससे गुणा कर दो ठीक है 23 नंबर कितना होता है 207 ठीक है ना, अब 200 से 207 कितना बढ़ा ये देखो, +7 बढ़ा कि बढ़ा ये बताओ है ना, तो देखो मैं आपको परिवर्तन निकाल सकते हैं, 7 कितना बढ़ा 7, अब ये किससे बढ़ा 200 से बढ़ा ठीक है, इंटो में क्या करेंगे इसको 2 0 से 2 0 काट दो, 7 में 2 का भाग देंगे कितना जाएगा 3.5%, आप बताओ 3.5% इसका क्या आएगा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन बेलनाकार आकृति वाले गीजर का व्यास 35 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 1.2 मीटर है। इसकी दीवारों की मोटाई की उपेक्षा करते हुए इसके बाहरी पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? देखो रेडियस कितनी दे रखी है इसमें, 35 सेंटीमीटर व्यास है तो 35 का आधा हो जाएगा, नहीं लिख दो इसमें सेंटीमीटर। और हाइट कितनी दे रखी है इसकी, हाइट दे रखी है इसकी 1.2 मीटर। 1.2 मीटर को अगर सेंटीमीटर बोल देंगे तो ये 120 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। और इसका क्या पूछा है, लेटरल सरफेस एरिया पार्श्व पृष्ठ बोलते हैं इसको, LSA मतलब इसकी चारों दीवारों का, कहने का मतलब इसकी चारों दीवार गोलाई होंगे ना विदिन, तो 2πRH होता है, ठीक है। 2 × π की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 35/2, और हाइट कितनी है 120, ठीक है। 7 से इसको काटो 37/35, 2 से इसको 2 को काट दो 22/15 110, 110 को हम 120 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमेशा याद रखना 11 को 12 से गुणा करते हैं तो 11 12 132 आता है हमेशा, और दो जीरो पहले से ही, तो 13200 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा, क्लियर है ना, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेलनाकार खंभे के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है तथा इसका आयतन 27/72 मीटर क्यूब है, खंभे की हाइट कितनी है? जो बेलनाकार खंभे के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, देखो ये खंभा है बेलन का, वक्र पृष्ठ का मतलब क्या होता है, वक्र पृष्ठ का मतलब कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, होता है 2πRH, ये कितना दे रखा है बताओ, ये दे रखा है आपको 528, ये दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर, और बेलन का वॉल्यूम कितना दे रखा है 27/72, वॉल्यूम होता क्या है पाई आर स्क्वायर एच, और ये दे रखा है 27/72 है ना मीटर क्यूब। आप इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो, ठीक है ना, बेलन बेलन का वॉल्यूम ये दे रखा है और ये दे रखा है। आप ये चेक करें एच से एच कट रहा है, आर से आर कट रहा है, पाई से पाई कट रहा है, और दो नीचे गुजर रहा है, दो गुजर रहा है, तो पाई आर स्क्वायर एच जो है ना इसमें सरफेस का भाग दे रहा है, सरफेस एरिया का, कर्व सरफेस एरिया का, तो भाग जा सकता है इसमें, बिल्कुल चला जाएगा। तो समीकरण नंबर 2 में क्या करेंगे हम, इक्वेशन 2 में क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 का भाग देंगे, ठीक है। तो देखो इक्वेशन 2 है पाई आर स्क्वायर एच डिवाइड बाय 2πRH और 27/72 बटा में क्या है 528। अब हम इसमें डिवाइड कर रहे हैं तो एच से एच कैंसिल, एक आर से भी आर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और दो को इससे काटो, दो दो चार, एक दो छः 12, दो छः 8, क्लियर है। अब इसमें हम जब भाग देंगे दो का, दो एकम दो, दो तीन छः, दो दो चार, दो एकम दो, दो तीन छः, एक दो आठ 16, दो छः 12, फिर से काटो, चार तीन 12, एक चार तीन 12, चार तीन 12, एक चार छः 16, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है ना, तो इसको काटेंगे किससे, 11 से काटो, 11 एकम 11, दो 11 दो 22, 11 छः 66, 11 एकम 11, एक दो चार 11 दो 22, चार दो से काटो, दो छः 12, दो तीन छः और दो छः 12, तीन से काटो, तीन दो छः, तीन एकम तीन, तीन दो छः 21 बाई 2 आ गया, तो ये आ गई 10.5, त्रिज्या कितनी आ गई 10.5 मीटर आ जाएगी ना। अब क्या करेंगे हम, त्रिज्या अगर आपको पता लगे किसी भी समीकरण में रख दो भाग मान इसका, ठीक है, मैं इसमें रख रहा हूँ 2πRH में, किसी भी रख दो आ जाएगी 528। देखो 2π की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 10.5 है ना, और हाइट आप निकालने निकालो 528। आप देखो पॉइंट काम नीचे क्या लगेगा 10 है ना, 2 × 5 = 10 और 7 × 7 3, 57/35, 5 × 5 5 × 15 11 से काट सकते हैं क्या, 11 × 4 11 × 22 11 × 44 8 बचेगा,
ग्यारह अट्ठासी, तीन दूनी छः अड़तालीस, तो हाइट कितनी जाएगी बताओ, 8 मीटर आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 231 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि इसका वक्र पृष्ठ इसके संपूर्ण पृष्ठ का 2/3 है तो बेलन का आयतन कितना होगा। तो इसका हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखो एक ठोस बेलन दे रखा है आपको, उसका संपूर्ण पृष्ठ कितना दे रखा है, उसका दे रखा है संपूर्ण पृष्ठ, टी एस जिसको बोलते हैं अपन, ये दे रखा है कितना, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आगे क्या कहा आपसे, यदि इसका वक्र पृष्ठ इसके संपूर्ण पृष्ठ का 2/3 है, यदि इसका वक्र पृष्ठ, और वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πRh है ना, TSA का क्या है 2/3 है, तो आपको क्या ज्ञात करना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या आता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो देखो 2πRh, TSA कितना है 231, और 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 × 3 से 2/3 है ना, 3 से काटेंगे तो 3 × 7 = 21, 2 × 3 = 21, तब बोलिए कितना होता है, 154 होता है। ठीक है, 2πRh आ गया 154, और TSA का होता है वो क्या होता है, TSA 231 TSA होता है 2πRh प्लस में 2πR स्क्वायर है ना, 231 2πR की जगह 154 प्लस में 2πR इसका 231 और 2πR इसका जब निकालेंगे तो यह जाएगा कितना, 231 में से 154 माइनस 11/4 के साथ 22/15 के साथ 2πR स्क्वायर यह जाएगा कितना, 77 आ गया, और 2 × π का मान 22/7 × r स्क्वायर बराबर 77 है ना, 11 × 2 = 22, 11 × 7 = 77, यह जाएगा 2 × 2 = 4, r स्क्वायर आ जाएगा कितना, यह जाएगा 7/4, 7 × 7 = 4, और r निकालेंगे तो लग जाएगा अंडर रूट, ठीक है, 7 × 7 / 2 × 2 भी लिख सकते हैं, तो आप बताओ r की वैल्यू क्या जाएगी, 7/2 आ जाएगी, इसका मतलब मीटर में सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में जब r की वैल्यू 7/2 आ गई है ना, r की वैल्यू कितनी आ गई, 7/2 आ गई, तो h निकाल सकते हैं ना, कैसे निकाल सकते हैं, 2πRh कितना है, 154, तो 2πR, पाई का 22/7, आर का मान कितना है, 7/2, और हाइट पूछिए आपसे बीच में 154, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और 22/7 कितना जाएगा, 154, तो हाइट कितनी आ गई, 7, हाइट भी आ गई आपको, और रेडियस भी हमने यहाँ निकाल ली, क्या पूछा है, वॉल्यूम निकाल सकते हैं ना, वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान कितना है 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 7/2, फिर से 7/2, और हाइट कितनी है, 7 है ना हाइट, ठीक है, 7 से 7 कैंसिल, 2 को इससे काट दो 11 से, 11 × 7 = 77, 77 × 2 = 154, और 154/2 कितना जाएगा बताओ, 11 से 70, 70 को किससे गुणा करना है, 70 को 7 से गुणा करना है, 70 × 7 गुणा कितना है 2, 7 × 49 का 9 × 4 = 54, 54 जाएगा 539/2 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी क्यूब, क्योंकि क्यूब आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, एक बेलन के वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 है, यदि इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो बेलन का आयतन कितना होगा। ठीक है, देखो बेलन के जो वक्र पृष्ठ है और संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ क्या होता है,
दे रखा है एक बटा दो। वक्र पृष्ठ क्या होता है? टू पाई आर। और टोटल सरफेस एरिया क्या दे रखा है? 616 बराबर में एक बटा दो। ठीक है, दो से इसको काटोगे, दो आठ सोलह, सॉरी दो तीन छः और दो आठ सोलह, फिर इस दो से इसको काटो कितना जाएगा? दो एकम दो, दो एकम दस और दो सौ आठ। ठीक है, तो इसको इससे गुणा करेंगे, फिर इसको इससे गुणा करेंगे, तो पाई आर इसकी वैल्यू क्या जाएगी बताओ? एक से समान जाएगी। ठीक है, पाई आर एस की वैल्यू यह आ जाएगी एक से समान। पाई का मान कितना है? 22 बटा 7 और आर इंटू एच 156। ठीक है, आप देखो 22 से काटो, 22 सत्ता 156, तो आर एच की वैल्यू क्या जाएगी? 49 49 आ जाएगी। ठीक है, अब ये देखेंगे अपन यहां पर कि जो आपको 2 पाई आर एच की वैल्यू वहां पर अगर एक है मान के चलो, या हम कहें आपसे कि जो टोटल सरफेस एरिया है वो क्या होता है? 2 पाई आर एच, और प्लस में क्या होता है? प्लस में क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। ये टोटल कितना दे रखा है? 616 दे रखा है ना। तो 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा इसमें और एच प्लस में आर बचेगा 616। अब 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी बताओ? पाई की वैल्यू 22 बटा 7 और आर की वैल्यू क्या है? आर की वैल्यू आप निकालना निकाल सकते हैं यहाँ से, अगर ऐसे आर की वैल्यू निकालेंगे तो 49 बटा 8 क्या जाएगा? एच हो जाएगा। तो आपने किसकी वैल्यू निकालेंगे? आर की। तो 49 बटा 8 क्या लिख दिया मैंने? एच लिख दिया। और एच की वैल्यू क्या है या आर की वैल्यू क्या है? 49 बटा 8 एच और बाद में क्या है? 616। सत्सत 49 22 70 154 तो 308 308 दूनी कितना होता है? 216 होता है, मतलब है ना। अभी तक क्या बचा है बताओ? एक बटा एच को फिर एच से गुणा करेंगे, प्लस 49 बटा एच को किससे गुणा करेंगे? 49 बटा एच को किससे करेंगे? एक बटा एच से गुणा करेंगे, मतलब एक बटा एच को एच से गुणा कर दिया, प्लस एक एच प्लस 49 बटा एच को भी किससे कर दिया? एक बटा एच से। जो बचा क्या है इधर? दो बचा है ना। अब देखो ये इससे कट जाएगा। ठीक है, एक प्लस में 49 एक 49 बटा एच स्क्वायर और दो, और दो इधर को आएगा तो क्या बचेगा? एक हो जाएगा ना, तो 49 बटा एच स्क्वायर और बराबर में एक, तो बटा में हाइट। देखो हाइट के स्क्वायर क्या होता है? 49, तो हाइट कितनी जाएगी बताओ? 7 आ जाएगी ना, हाइट 7 आ गई। हाइट कितनी आ गई आपकी? 7 आ गई, नहीं आ गई बताओ? आ गई ना। अगर हाइट आपकी 7 आ गई तो रेडियस कितनी जाएगी? देखो 49 बटा में 7, तो रेडियस कितनी आएगी? 7। क्या निकाल सकते हैं इसका? पूछा है आपसे इसमें वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22 बटा 7, आर की वैल्यू 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, 7 से 7 कट जाएगा, 22 सत्ता 154, 154 को 7 से गुणा करो, 28 का 8 हासिल दो, 15 सत्ता 105 और दो 107, 1078 सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात है, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।